घटनास्थल से हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़ चुके हैं, पल पल की लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। मिथिलेश, फिलहाल की क्या अपडेट्स? इस वक्त हम बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद हैं और एक और आपको सामने सब तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि जो आखिरी शख्स थे जिनको लेकर इस वक्त बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिनका नाम सुनील सोलंकी है, उन शख्स का नाम सामने आया था सुनील सोलंकी। अब सुनील सोलंकी जो है उनका जो शव है वो मिल चुका है। अब नीचे से जो बावड़ी है वहाँ से रेस्क्यू करके उन्हें ऊपर निकाला जा रहा है और थोड़ी देर बाद ही मंदिर के सामने जहाँ मौजूद हैं यहाँ से उन्हें एम्बुलेंस से एम्बुलेंस अस्पताल भेजा जाएगा। उनके परिवार के लोग, उनके जानने वाले जो लोग हैं उस वक्त मंदिर के ठीक सामने मौजूद हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे उन्हें पता चला कि जो आखिरी शख्स हैं वो सोलंकी हैं, उनका शव मिल चुका है। काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी लंबे रेस्क्यू के बाद में उनका जो शव है वो नीचे मलबा में दबा हुआ मिला हुआ। सुबह साढ़े छः बजे तक सभी जो शव हैं उनको बाहर निकाल लिया गया था और सिर्फ जो आखिरी शख्स हैं जिनका नाम सुनील सोलंकी है उन्हें लेकर एक बड़ा रेस्क्यू चलाया जा रहा था और एक लंबा समय लगा, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं और करीब 6 घंटे के आसपास का वो वक्त लगा। और 6 घंटे के क्योंकि सर्चिंग अभियान के बाद में जो सुनील सोलंकी हैं उनका जो शव है वो नीचे मिल चुका है। अब रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें बावड़े से बाहर लेकर आया जाएगा कुछ ही देर में। तो अब पूरे ये जो पूरा हादसा हुआ है दुखद हादसे में, अब जो मौत का आंकड़ा है उसकी संख्या बढ़कर 36 तक जा पहुंची है। वहीं 18 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था, जिसमें जो दो लोग हैं उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया गया था। 16 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, 16 लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जिनके पोस्टमार्टम हो चुके हैं, जिन शव को रात को भेजा गया था उनके परिजनों को अब वो जो शव है वो सौंप दिया गया है। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले महापौर पुष्पमित्र भार्गव जो इंदौर के मेयर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और कुछ लोगों की का जो वहाँ था अंतिम संस्कार था उसमें वो शामिल होकर यहाँ पर आए थे। फिलहाल ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के सामने से दिखा रहे हैं और ये अब कहा जा सकता है कि जो ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो आखिरी शख्स हैं जिनकी तलाश की जा रही थी वो मिल चुके हैं और लंबे ये हम कह सकते हैं एक लंबे सर्चिंग अभियान के बाद, एक लंबी कड़ी मशक्कत के बाद उनका शव जो नीचे का जो हिस्सा है बावड़ी का वहाँ से उनका शव मिला है। बिल्कुल, अब देखिए इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि लगभग जो रेस्क्यू का काम है वो समाप्त हो गया। कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, मामला दर्ज किया गया है मंदिर अध्यक्ष के खिलाफ, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के खिलाफ। जी, मंदिर समिति की जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं दोनों लोगों के खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। आईपीसी 304 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और जैसा देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आ रही थी कि जो भी इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और देखिए अब कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। 304 गैर इरादतन हत्या का मामला जो मंदिर ट्रस्ट हैं उनके अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ दर्ज हो चुका है। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने इसकी जानकारी दी थी, पुष्टि की थी उन्होंने कि दो लोगों खिलाफ़ FIR दर्ज हो चुका और आने वाले समय में कई और लोगों के खिलाफ और भी लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होंगे, कई और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। खुद CM आज जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा था किसी भी दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी दोषी होंगे, जो भी लापरवाही जिनके वजह से हुआ, जिनके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल लेकिन ये तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं जहाँ पर NDRF की टीम जो है वो तस्वीर में नज़र आ रही है। खुद सेना ने मोर्चा संभाल रखा था, कल रात को लगभग 12 बजे यहाँ पर सेना के जवान पहुँचते हैं। सेना ने पूरा और जो ऑपरेशन वो ऑपरेट किया, महज 6-6.5 घंटे के अंदर 2100 को सेना ने बाहर निकाल लिया था। लेकिन 6:30 बजे के बाद में अब जो जब 12 से ज़्यादा वक्त हो चुका है, सब 12 से 12:30 बजे के बीच का ये वक्त है, एक लंबा समय लगा लगभग 6 घंटे के बाद में, 6 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद में उस शव को बाहर निकाला जा रहा है। तो परिवार के लोग बाहर मौजूद हैं और देखिए जिस अनहोनी की बात जताई जा रही थी, जिस अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी कि क्या वो जो अंदर आखिरी शख्स बसे हैं वो सुनील सोलंकी हो सकते हैं, तो सुनील सोलंकी का शव मिल चुका है। और सुनील सोलंकी को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि शुरुआत में जब ये पूरा हादसा हुआ तो उस वक्त उन्होंने कुछ लोगों का रेस्क्यू करके बचाया था, उसके बाद उनकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, वो टाइमिंग के आधार पर जो उन्होंने कुछ फोटो भी शेयर किए थे वो लेकर पहुंचे कि अभी तक तो यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे, यहीं अंदर उनकी जानकारी सामने आई थी। लेकिन और देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं।
बैठे। बिल्कुल, तस्वीरें कहीं ना कहीं मन को व्यथित कर रही है और ये बता रहा है कि ये हादसा आखिर कितना ज्यादा दर्दनाक था। मिथिलेश, क्योंकि समय सही नहीं है ये पूछना कि उनके परिजनों की क्या क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी उनके परिजनों का क्या रिएक्शन? हैं कि अब देखिए वो जो ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन खत्म होने जा रहा है, अब लोग बाहर निकल रहे हैं और जिनकी सर्चिंग की जा रही थी, जो सुनील सोलंकी जो हैं उनके बॉडी को, उनके शव को रिकवर कर लिया गया। देखिए अब नीचे जो बावड़ी है वहां से उनके शव को ऊपर की ओर लेके आ चुके हैं। अब देखिए ये देखिए तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें हैं। आपको बताते चले कि जो शव की तलाश की जा रही थी, एक शव लापता था और वो तलाश पूरी हुई है उनकी, अब शव को बाहर निकाला जा रहा है, रिकवर कर लिया गया है उनकी बॉडी को और अभी रेस्क्यू की टीम यहाँ पर उनके शव को लेकर जो एम्बुलेंस है उस पर पहुँचती है और अब कहीं ना कहीं इसे अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन देखिए अब इसी के साथ जो रेस्क्यू है वो ख़त्म हो गया। मिथिलेश, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए ये पूरा ऑपरेशन जो है अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो आखिरी शख्स सुनील सोलंकी उन्हें ही तलाशा जा रहा था। पिछले 6 घंटे से एक सर्चिंग जो अभियान है, जो एक बड़ा रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा था, क्योंकि जो आखिरी शख्स हैं उन्हें ही ढूंढना था और वो सुनील सोलंकी थे। और सुनील सोलंकी का जो शव है वो मिल चुका है और अभी भारतीय जो सेना है और NDRF की टीम है उन्हें लेकर ऊपर आई। देखिए अब एम्बुलेंस से सुनील सोलंकी का जो शव है वो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम मंदिर के सामने से दिखा रहे थे और तमाम जानकारी दे रहे थे कि अब मौत का आंकड़ा जो है वो 35 से बढ़कर 36 तक पहुंच चुका है, तो एम्बुलेंस से रवाना कर दिया गया है। और दूसरी तरफ वो हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे NDRF के लोगों के। देखिए अब NDRF की जो टीम है अब वो बाहर निकल चुकी है, जो सेना है वो भी बाहर आ चुकी है, क्योंकि अब ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो अब मौत का जो आंकड़ा है वो कन्फर्म हो चुका है कि इस पूरे दुखद हादसे में 36 लोग की जान गई है, 36 लोगों की मौत हुई है। देखिए तस्वीर में मंत्री तुलसी सिलावट भी दिख रहे हैं NDRF टीम के पीछे, खुद मंत्री तुलसी सिलावट भी यहाँ पर मौजूद थे जब सुनील सोलंकी का जब यहाँ से शव जो है मलबा से निकाला गया, अब उन्हें एम्बुलेंस अस्पताल भेज दिया गया। और सुनील सोलंकी के बारे में जो जानकारी सामने मिली है कि वो समाज सेवी के रूप में उनकी पहचान थी, हर समाज के लिए वो अक्सर खड़ा रहा करते थे और लोगों की मदद करने के लिए उन्हें पहचान मिली थी। लोग अक्सर कहते थे कि सुनील हर किसी के सुख दुख में साथ हुआ करते थे। अब जो टीम है, देखिए ये जो पूरी टीम है, सेना, NDRF, ये पूरी टीम अब एक साथ संयुक्त रूप से सामने खड़ी है और इन्हीं की कड़ी मेहनत के बाद